हेलो माय लवलीज, कैसे हैं आप सब। मैं खुशबूती हूँ। मैं आती हूँ बहुत सारे प्रोडक्ट रिव्यूज के साथ ऑन दिस पर्टिकुलर प्लेस, सो दैट आप अगर स्किन केयर का प्रोडक्ट ले रहे हैं, हेयर केयर का प्रोडक्ट ले रहे हैं, होम एसेंशियल आइटम ले रहे हैं, हेल्थ केयर कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं, बेबी से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं, या फिर एसेसरीज में से कुछ ले रहे हैं, यानी कि हैंड बैग हो गया, ज्वेलरी होगी, या फिर फुटवेयर हो गया, तो अगर आप इन सब के रिव्यूज यहाँ पर देखते हैं तो आप फुली सेटिस्फाइड फील करें एंड यू शुड नो सम टिप्स एंड बिट्स अबाउट द प्रोडक्ट बिफोर परचेजिंग इट। क्योंकि हर एक प्रोडक्ट आपके लिए नहीं है, हर एक प्रोडक्ट मेरे लिए नहीं है। द ओनली वे टू गेट योर बेस्ट सूटेबल प्रोडक्ट इज टू ट्राई एंड टेस्ट। प्रोडक्ट को लेने से पहले जानिए आपके स्किन पर क्या बेटर काम करेगा, आपको क्या रिजल्ट दे सकता है, ये सब जानने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है इन शॉपिंग द परफेक्ट प्रोडक्ट। स्टार्ट करते हैं आज के प्रोडक्ट रिव्यू को, जो कि आप यहाँ पे बहुत ही इजिली देख पा रहे होंगे। ये यहाँ पे मैंने स्टैकअप करके रखे हुए। ये एक फेस मॉइस्चराइजर है, फेस क्रीम है, विट वर्क्स वंडर्स। नाउ दिस इज फ्रॉम गुड वाइब्स। गुड वाइब्स इज अ ब्रांड जिसकी वो कहते हैं ना कि ज्यादा इंट्रो देने का मुझे लगता नहीं कि जरूरत है। दिस इज अ ब्रांड विच इज टोटली सेफ, इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है। इट्स सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स, दो दे मेक प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप ऑल्सो, बट जनरली जिनके प्रोडक्ट्स रहते हैं ना वो सूटेबल टू ऑल स्किन टाइप्स होते हैं। कुछ एक आध प्रोडक्ट है जो स्पेसिफिकली इन्होंने मैन्युफैक्चर किए होते हैं फॉर ड्राई स्किन और फॉर नॉर्मल स्किन और ऑयली स्किन, उसके अकॉर्डिंग भी इन्होंने किए हुए हैं। तो मेरा मतलब है कि भाई ये सूटेबल से मेरा मतलब है कि दीज डोंट हार्म योर स्किन, क्योंकि इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं यूज किया जाता, कोई भी एनिमल टेस्टिंग नहीं की जाती है इन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स पे। नो पैराबेंस एंड नो मिनरल ऑयल, ऑल्सो कम्प्लीटली वीगन प्रोडक्ट्स रहते हैं इनके, सो दीज आर टोटली सेफ टू यूज। तो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, बहुत बड़ा पॉइंट हो जाता है। साथ ही साथ ये प्रोडक्ट आपको डिफरेंट वो क्वांटिटीज में अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो अवेल करते हैं, यानी कि अगर आप बड़ा पैक नहीं लेना चाहते, आप 50 ग्राम्स वाला लेना चाहते हैं, आप वो ले सकते हैं। अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाता है, अंडर 250 मिल जाता है आपको टू टेस्ट एंड ट्राई। तो अगर आपको लगता है सूट नहीं करा, आप फिर से रिपर्चेज नहीं करेंगे। इट्स नॉट दैट यू हैव टू गो फॉर द बिगेस्ट टब, या तो आपको बिल्कुल 400-500 खर्चना है तो ही आप किसी प्रोडक्ट को अवेल कर सकते हैं। दैट्स अनदर ग्रेट पॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर ब्रांड कि ये मिनी साइजेस में भी अपनी कम क्वांटिटी में भी प्रोडक्ट्स को अवेलेबल रखते हैं, सो दैट जो कोई भी इनका कस्टमर है वो उसको अच्छे से टेस्ट एंड ट्राई कर सके। नाउ कमिंग टू दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, तो ये है हमारे पास आज गुड वाइब्स का हाइड्रेटिंग ग्लो डे क्रीम SPF 25, जो कि रोजिप क्रीम है इनकी। नाउ गुड वाइब्स की रेंज की मैंने बहुत सारी क्रीम्स को यूज किया है, बहुत सारे के मैंने रिव्यूज भी शेयर किया, अगर आप उनको भी जाके चेकआउट करना चाहते हैं कि किस पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट का क्या स्पेसिफिकेशन रहता है, क्या एक्सपीरियंस रहता है, आप उन्हें जाके चेकआउट कर सकते हैं। बात करते हैं रोजिप की। नाउ आई एम अ पर्सन जिसे फेस पर ग्लो बहुत ज्यादा पसंद है, ग्लो हाइलाइटर का नहीं, विद इन काइंड ऑफ जो ग्लो रहता है स्किन पर, मुझे वो बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत ज्यादा। क्योंकि ऑब्वियसली ग्लो आपकी स्किन पर होना इज अ साइन दैट योर स्किन इज हेल्दी, ठीक है। तो मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है, और बहुत से लोग होंगे जिन्हें फेस पर ग्लो होना, एक नेचुरल ग्लो होना पसंद आता है। नाउ दिस इज अ क्रीम विच कैन गिव यू ग्लो, जी हाँ, ये आपको ग्लो दे सकती है बिकॉज इट हैज रोजिप एज इट्स मेन इंग्रेडिएंट। तो ये है हाइड्रेटिंग ग्लो डे क्रीम और SPF 25 के साथ। तो दोज पीपल हु रियली थिंक कि भाई सनस्क्रीन अलग से लगाना, क्रीम अलग से लगाना इज अ मेस, तो इसमें आपको SPF 25 मिल जाता है। दो मैं कहूंगी SPF 25 इज नॉट सफिशिएंट, बट स्टिल इफ यू आर एट होम तो SPF 25 फिर भी चल जाएगा आपके लिए, बट इफ यू आर गोइंग आउटडोर्स तो ऑब्वियसली यू नीड एन एडिशनल SPF। जी हाँ, SPF 25 इज नॉट सफिशिएंट, बट येस इफ यू आर एट योर होम, एट योर प्लेस, इनसाइड डोर्स, तो आपके लिए ये SPF 25 इज सफिशिएंट, ठीक है, आप यूज कर सकते हैं। तो इस क्रीम की अगर बात करें तो मैंने जैसे बता दिया कंप्लीटली सेफ है, ऑल स्किन टाइप्स है, आप इसको आराम से टेस्ट एंड ट्राई कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द प्राइस पॉइंट, तो ये जो प्राइस यहाँ पे मेंशन किया है दैट्स ₹399 इस पर्टिकुलर टब का, इस पर्टिकुलर क्वांटिटी का। तो जो इसकी क्वांटिटी है, एक 50 ग्राम्स की भी क्वांटिटी आती है, वो आपको ऑब्वियसली कम, वो समथिंग टू समथिंग में आपको मिल जाता है, और डिस्काउंट तो आपको मिलता ही मिलता है, तो वो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को और भी ज्यादा रीजनेबल, अफोर्डेबल, लाइट ऑन द पॉकेट बनाता है। तो अगर आप बड़ा टब लेना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं शो कर रही हूँ, ये लेना चाहते हैं, तो उसके लिए MRP है ₹399, तो आपको ये ऑब्वियसली बहुत बढ़िया डिस्काउंट पर मिल जाता है, और छोटा टब है 50 ग्राम्स का, वो टू समथिंग में आपको मिल जाता है। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि आपको 50% ऑफ पर भी ये पर्टिकुलर ब्रांड के प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, वेट फॉर दैट डिस्काउंट अगर आप चाहते हैं तो, अदरवाइज इफ यू आर ओके विद द डिस्काउंट जो करंटली चल रहा है आप ले सकते हैं। इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो परचेज लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इफ यू रियली फील इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, वरना आप पर्पल ऐप पे जाके खुद से परचेज कर सकते हैं। अब देख लेते हैं इस क्रीम का टेक्सचर एंड ऑल। तो ये हमारी गुड वाइब्स की SPF 25 क्रीम, ठीक है, ये देख लीजिए, ये हमारी क्रीम जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल येलो कलर में है,
और ये आपको हाइड्रेटिंग ग्लो प्रोवाइड करती है। बात करें इसके टेक्सचर की, एकदम से सिंक इन हो जाता है, बहुत ही लाइट वेट है, बहुत ही वो कहते हैं ना वंडरफुल इसका टेक्सचर है कि जो क्विकली एब्जॉर्ब कर जाता है आपकी स्किन में। मैं साइड पे क्लिप पे आपको एक क्लोज लुक में भी दिखा दूंगी जूम करके इसका टेक्सचर, स्क्रीन का कलर और इस ये क्रीम कैसे सिंक इन हो जाती है आपके स्किन पे, वो सब आपको साइड पे दिखा दूंगी ताकि आप इजिली समझ सके कैसा लगता है, कैसे सिंक इन कर जाता है, क्या वंडरफुल टेक्सचर इस पर्टिकुलर क्रीम का। माइल्ड सी फ्रेग्रेंस आती है जो बहुत ज्यादा बॉथरिंग नहीं है, बट स्टिल देयर इज फ्रेग्रेंस, और ये मैं बताना चाहूंगी फॉर दोस्त जो फ्रेग्रेंस के बारे में जानना चाहते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ और इस पर्टिकुलर क्रीम के बारे में कि इसमें जो है इसमें सीरम्स इन लोगों ने लोड किया, यानी कि रोजहिप सीरम यूज किया है, एंड सीरम जो है वो एज कम्पेयर टू क्रीम्स या फिर बाकी इन्ग्रीडियंट्स ज्यादा एक्टिवली काम करते हैं ऑन योर स्किन बिकॉज दे कैन पेनिट्रेट इन टू योर स्किन, आपके जो लेयर्स में डीप पेनिट्रेट हो जाते हैं, अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाते हैं और जो रिजल्ट्स हैं आपको बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। रोजहिप इन इटसेल्फ ही एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो आपके फेस के कलर को इवन टोन करता है, कहीं पे डार्क है कहीं पे लाइट है, तो यह आपको एक क्लियरर ब्राइटर इवन टोन्ड स्किन देता है और साथ ही साथ स्मूदर और फर्मर तो बनाता ही है, यानी कि स्मूथ और प्लम्प आपकी स्किन तो लगती ही लगती है बिकॉज दिस इज अ ब्यूटीफुल मॉइस्चराइजिंग एजेंट ऑल्सो। तो यानी कि आपके मॉइस्चराइजेशन का काम भी हो जाता है, आपके स्किन को इवन टोन करने का भी काम हो जाता है, आपकी स्किन को ब्राइटर बनाने का भी काम हो जाता है। अगर आपको टैन वगैरह हो रखा है टू रिपेयर दैट पर्टिकुलर टैन, आपको ये रोजहिप वाले प्रोडक्ट जरूर यूज करना चाहिए, चाहे इनका सीरम हो गया चाहे इनकी क्रीम हो गई, यूज इट रेगुलरली और आप डिफरेंस देख सकते हैं क्योंकि ये आपके स्किन के एक्चुअल टोन को लाने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अगर आपकी स्किन पर डिसकलरेशन है उसको हटाने में हेल्प करता है। एक प्रोडक्ट अकेला शायद आपकी स्किन पर काम नहीं करे, बट आप जब कॉम्बिनेशन में करते हैं यानी कि सीरम क्रीम ये सब कुछ यूज कर रहे हैं या फिर फेस वॉश भी ऐसा कुछ यूज कर रहे हैं जो आपकी स्किन को इवन आउट करने में हेल्प कर रहा है, फॉर श्योर आपको रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो अगर आप कुछ ऐसा अपनी स्किन के रूटीन में इन्वॉल्व करना चाहते हैं जो कि बहुत ही क्विकली एब्जॉर्ब हो जाता है, जो कि सेंसिटिव स्किन टाइप को भी सूटेबल है, जिसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है और आपको अलग से सनस्क्रीन यूज करने की जरूरत नहीं है बिकॉज इट इज हैविंग एसपीएफ 25 एंड 8 और ब्यूटीफुल इंग्रेडिएंट तो है ही है, तो आप इस पर्टिकुलर क्रीम को फॉर श्योर कंसिडर कर सकते हैं। तो यही सब था इस पर्टिकुलर क्रीम के बारे में मेरा एक्सपीरियंस। एज यू कैन सी यहाँ पे दो टब्स ऑलरेडी हैं एंड आई हैड मच मोर, क्योंकि ये पर्टिकुलर क्रीम जो है ये मैं स्पेसिफिकली यूज नहीं करती, हमारी फैमिली के मेंबर यूज करते हैं और उन्हें काफी टाइम हो चुका गुड वाइब्स के दो क्रीम्स के बीच में स्विच करते हुए, दिस रोजहिप वन एंड देयर राइस वन, तो ये दो क्रीम्स के बीच में वो स्विच करते रहते हैं एंड लिटरली दिस इज अ वंडरफुल क्रीम। आई कांट स्टोर ऑल द टब्स क्योंकि ऑब्वियसली डिस्कार्ड करने पड़ते हैं, आई डोंट हैव दैट मच स्पेस कि मैं हर एक प्रोडक्ट के जो एम्प्टीज हैं वो स्टोर करके रखूं, बट स्टिल टू शो यू कि हम इस क्रीम को कितना ज्यादा पसंद करते हैं यहाँ पर मैं आपको शो कर चुकी हूँ। ऑलरेडी दीज टू टब्स हैव बीन यूज्ड एंड दिस इज द थर्ड वन एंड आई हैव ऑर्डर्ड द फोर्थ वन फॉर बैकअप। तो ये था हमारा प्यार इस पर्टिकुलर क्रीम के लिए बिकॉज इट वर्क वंडर्स, इट गिव्स यू अ ब्यूटीफुल ग्लो ऑन योर स्किन, आपकी स्किन को इवन टोन करती है, ब्राइटर करती है, ब्यूटीफुल बनाती है, एक हेल्दी लुक देती है। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो, आई रियली होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। टिल नेक्स्ट वीडियो टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।